मुझे करीब करीब 1 साल से पेट में जलन और सीने में जलन होती है। एंटासिड दवाया लेता था तभी आराम मिलता था, लेकिन दवाया बंद करने के बाद मुझे फिर से तकलीफ होती थी। इसोफेजियल और मेनोमेट्री हो गई है और अभी ये पीएच स्टडी चालू है और इस 24 घंटे की पीएच स्टडी में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद मैं 1-2 घंटे बाद मैं घूमना फिरना चालू हो गया और मेरे को लिक्विड भी दिया और लिक्विड लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे आज कोई एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा, मुझे कोई पेन भी नहीं हो रहा और मैं 2 दिन खाना बहुत अच्छे से खाया, मुझे खाने में कोई दिक्कत भी नहीं आई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर दुबे, मैं महाराष्ट्र शिरडी से साई बाबा के यहाँ से आया हूँ। मुझे करीब करीब 1 साल से पेट में जलन और सीने में जलन होती है। मैंने उधर बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ। एंटासिड दवाया लेता था तभी आराम मिलता था, लेकिन दवाया बंद करने के बाद मुझे फिर से तकलीफ होती थी। तो मैं इधर डॉक्टर चिराग ठक्कर के यहाँ कॉल किया तो मैं इधर आया, तो डॉक्टर चिराग ठक्कर ने मुझे 24 घंटे का पीएच स्टडी और इसोफेजियल मेनोमेट्री की जांच दी। तो इसोफेजियल और मेनोमेट्री हो गई है और अभी ये पीएच स्टडी चालू है और इस 24 घंटे की पीएच स्टडी में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। मैं खाना पीना सब कुछ खाया और रात को भी सोया। अभी पीएच स्टडी की मेरी जांच खत्म होने वाली है, तो एक जांच खत्म होने के बाद सर जो बताएंगे उसका रिजल्ट जो आएगा वो मैं बाद में आपको फिर से बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर दुबे, मैं महाराष्ट्र शिरडी से आया हूँ और मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी पीएच स्टडी और मेनोमेट्री हो गई है। तो मेनोमेट्री और पीएच स्टडी की रिपोर्ट में डॉक्टर चेराग ठक्कर जी ने मुझे बताया कि आपको ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर चिराग ठक्कर जी ने मेरे को ऑपरेशन का सजेशन दिया, तो मेरा आज सुबह ही ऑपरेशन हो गया है और ऑपरेशन में मुझे कोई तकलीफ नहीं, कुछ महसूस भी नहीं हुआ। ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ और डॉक्टर चिराग ठक्कर सर भी बहुत अच्छे डॉक्टर है। और ऑपरेशन के बाद मैं 1-2 घंटे बाद मैं घूमना फिरना चालू हो गया और मेरे को लिक्विड भी दिया और लिक्विड लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और लिक्विड लेने के बाद मैं खाना पीना खाया और खाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और मेरे को आज डिस्चार्ज होना था लेकिन मैं बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए मुझे को कल मॉर्निंग में डिस्चार्ज देने वाले हैं सर। हाय फ्रेंड्स, मेरा 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ और मैं आज सर के यहाँ फॉलोअप के लिए आया। तो सर ने मेरे ड्रेसिंग वगैरह किया और मुझे आज कोई एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा, मुझे कोई पेन भी नहीं हो रहा और मैं 2 दिन खाना बहुत अच्छे से खाया, मुझे खाने में कोई दिक्कत भी नहीं आई और एसिड रिफ्लक्स भी नहीं हुआ। और जिसको भी ये तकलीफ है वो डॉक्टर चिराग ठक्कर सर के यहाँ आइए, दिखाइए। बहुत अच्छे डॉक्टर है, अच्छे तरीके से इलाज करते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, बोलते हैं। और आज मेरे शाम को 5 बजे ट्रेन है, मैं आज शाम 5 बजे घर जाने वाला हूँ। थैंक यू।